जबलपुर में ग्रीन पटाखों के बिक्री में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के बिक्री के निर्देश दिए थे, लेकिन दीपावली का त्यौहार है और पटाखे बेचने वाले व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों पर फर्जी QR कोड या फर्जी लेबल लगाकर बेच रहे हैं, जिसे लेकर एनजीटी भोपाल में जबलपुर के एक सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच ने याचिका दायर की थी। इस पर कहा गया था कि पटाखों के बिक्री में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा, बल्कि जिला कलेक्टर्स भी प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री रोकने की में लापरवाही कर रहे हैं, जिसके बाद एनजीटी ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। वही जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजार में जो पटाखे बिक रहे हैं, ये देखने में आया है कि उनमें जो QR कोड है वो तक फर्जी है, और राज्य शासन ने भी एक निर्देश जारी किया है कि ग्रीन पटाखों का ही केवल बिक्री होनी चाहिए, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको माननीय NGT ने निर्देशित किया है कि आप इस कार्रवाई को पूरी तरीके से देखें। मैंने दल जरूर गठित किया, आज SP से भी मेरी डिस्कशन हुआ है, और पुलिस के और रेवेन्यू के जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके हम दल गठित किए हैं, जो फटाखा लाइसेंसों की फटाखा सामग्री जो है उसकी जाँच करेंगे, और कहीं किसी तरह का नियमों का यदि उल्लंघन है तो कार्रवाई होगी।